नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की है। साथ ही गांधी पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने लोगों से अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की है। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद नरेश बंसल समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा, उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। सामाजिक संगठनों, युवाओं आदि के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा अभियान है, इसमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तो ये अभियान हमारा सफल नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ कह रहे थे कि हल्द्वानी में एक बैणी सेना ने, महिलाओं के समूह ने कूड़ा एकत्रीकरण का एक विशेष तरीका खोजा है। घरों में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं, उससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, सफाई अभियान भी तेजी से चला है और स्वच्छता के कारण से आसपास वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे वेदों में और ग्रंथों में स्वच्छता को, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने संबंधित बातें उसमें लिखी हुई हैं। और जहाँ स्वच्छता होती है, आप सब जानते हैं, जब दीपावली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में हर चीज़ स्वच्छ करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, हर जगह से कूड़ा या जितने भी जाल लगे होते हैं, कोई गंदगी होती है, पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं, क्योंकि स्वच्छता के कारण लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी आती है जहाँ स्वच्छता होती है, अर्थात उस स्थान पर धन की कोई कमी नहीं होती है जहाँ स्वच्छता होती है। मैं आज इस स्वच्छता के अभियान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। हर एक छोटे छोटे बच्चे के मन में भी स्वच्छता का भाव आया। यह अभियान केवल कचरा उठाने या सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हो, शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राज्य स्वच्छ और सुंदर बने, और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है।
जो आप सब लोग यहाँ पर आकर आज अपनी भागीदारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इसे केवल सरकारी कार्यक्रम, सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभियान तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद स्वतः ही रुक जाएगा, बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण का भी गहरा संबंध है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मानसून के सीजन में कम से कम आज हम एक संकल्प लेंगे कि एक पौधा अगर हमने रोप दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रोपा है तो एक पौधा अपनी माँ के नाम से लगाएंगे, एक पौधे का रोपण करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस डिजिटल युग में हमें स्वच्छता के लिए जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी भरपूर उपयोग करना होगा और हमने स्वच्छता ऐप्स और हेल्पलाइन भी उसके नंबर जारी किए हैं, जहां आप गंदगी की समस्या की जानकारी दे सकते हैं और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी QR कोड लग जाएगा वार्डों में भी। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए संचालित वाहनों को QR कोड से भी निगरानी होने लगेगी। भाइयों बहनों, ये जो सफाई का काम हमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, केवल इन पर नहीं छोड़ना है कि हम इन पर छोड़ दें और हम सोचें कि सब स्वच्छता अपने आप हो जाएगी। अपने शहर के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, हमारे परिवेश के प्रति हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हमारी, हम इसमें अपना योगदान किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी बैठे हैं। बच्चों, में आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने घरों में भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें और आप एक संकल्प लेकर जाएं, जो शपथ आपने ली है, इस शपथ के साथ एक संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने आसपास के संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ करने में अपना योगदान देंगे और जो हमने शपथ ली है कि 100 अन्य लोगों को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ेंगे, उस शपथ को भी पूरा करना है। और ये संकल्प एक दिन का संकल्प नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम स्वच्छता के अभियान में, हम स्कूल से आए, आज हम इसमें सम्मिलित हो गए और इतना हमने इतिश्री कर दी, कार्यक्रम पूरा हो गया, हमेशा के लिए स्वच्छता हो गई। ये काम रोज करने वाला है। 15 अगस्त से पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनकल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। साथ ही बीजेपी विधायक मदन कौशिक और अन्य बीजेपी नेताओं ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत का ध्वज नहीं लहरा सका, लेकिन भारतीय 15 अगस्त पर ध्वज लगाकर उसकी कमी पूरा करेंगे। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है, घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वज नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पर भी लगाएंगे, मन में एक भाव पैदा होगा। देश हमेशा कुछ, सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए, इसलिए एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों को ध्वज दे रहे हैं। दुकान पे हमारी तरफ से लगाएंगे और घर में पड़ोस में खरीद कर वो खुद लगवाएंगे। कोरोना महामारी के बाद लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। बढ़ती बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी
विकास ठाकुर ने बताया है कि होम्योपैथिक में इन समस्याओं का प्रभावी उपचार मौजूद है। डॉक्टर के अनुसार होम्योपैथिक दवाइयां न केवल तेजी से काम करती हैं बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इन दवाओं को लेना भी बेहद आसान है जिससे मरीजों को लाभ पहुंचता है। इसमें क्या है कि कोविड के बाद से आप लोग भी देख रहे होंगे और बहुत ही जग जाहिर हो गया है ये कि सभी, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, वृद्ध हों, क्योंकि सब लोग 2 साल लगभग पैक्ड रहे हैं, तो उसके बाद से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो उसके बाद से कुछ मानसिक रोग कहें उन्हें या कुछ मानसिक जो अवस्थाएं हैं वो सबके साथ बहुत कॉमनली आ गई हैं। जैसे एक एंजाइटी पहले भी होती थी, बच्चों में भी होती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा उसका उच्चीकृत रूप हो गया है। जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस में आ गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल बहुत दिन तक बंद रहे। 15 अगस्त को लेकर हरिद्वार पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। SSP प्रवीण सिंह डोबाल ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर इंटर स्टेट बॉर्डर पर खासा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह किराएदार, कामगार और घरेलू नौकरों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। अगस्त के मद्देनजर वैसे भी चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारे BDS की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे, और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। साथ में जो हमारे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण जो वेटल जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं उसके पास भी लगातार जो भी हमारे को भी संदिग्ध गतिविधियाँ अगर पाई जाती हैं उसके निरीक्षण के लिए और उसके साथ साथ उन गतिविधियों के रोकथाम के लिए जो भी हमारे यूनिट्स हैं उसको पहले ही महती तौर पर बताया जा चुका है कि वो इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन के साथ साथ कार्रवाई करेंगे, और इस क्रम में हमारे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों को एक यूनिट के तौर पर सभी को निर्देशित किया जा चुका है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए अब लगातार तैयारियां तेज है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी है। इस सबके बीच BJP चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर BJP के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि सरकार को पार्टी की तरफ से सुझाव भी दिया गया है। तर्क दिया गया है कि इससे चुनाव पर आने वाले खर्च में बचत होगी और दोनों छोटी सरकारों के लिए एक साथ ही चुनाव हो सकेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है, आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है, और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है, और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस संबंध में ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इस पर परामर्श करने के बाद, सभी लोगों से सहमति के बाद, मुझे लगता है कि इस पर चिंतन हो तो यह भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है, अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना उसमें विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे, तो इस प्रकार से जो विकास की गति अनवरत बनी हुई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विकासनगर में कई हिंदुवादी संगठनों ने शहर में मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। हाथों में संदेश लिखी तख्तियां लेकर रैली भी निकाली गई है, और इस दौरान सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है।
यहाँ पर आपने देखा बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति हिंदुओं की है, अगर ये बांग्लादेश की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। मामला आरक्षण से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मामला था, लेकिन जिहादी मुसलमानों का टारगेट हमेशा से हिंदू रहे, क्यों? ये हर समय का सवाल है। मतलब हिंदू को आप कहते हो कि वो हिंसक है, हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बार बार आप हिंदू को मारोगे, जैसा आपने आज देखा 7 लाख हिंदू वापस बांग्लादेश का रोड पर आया, तो वो स्थिति हर जगह होगी, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। मामला कुछ भी है, आपकी दो सत्ताएं चेंज हुई है, लेकिन उसमें हिंदुओं को मारना कहाँ तक सही है? आपने हिंदुओं को उल्टा लटका दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लड़कियों का उठा रहे हो आप छोटी छोटी, इसका मूल कारण मदरसा शिक्षा है। और हमारे देश में भी चाहे सत्ता भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की, किसी की भी रही हो, मदरसा शिक्षा को बंद जब तक नहीं किया जाएगा, वहाँ जो हलाल और हराम सिखाया जाता है वो आपको समझना पड़ेगा। जब एक मौलवी ये सिखाता है कि हिंदुओं के त्यौहार हराम है, तो उसी दिन से भाईचारा खत्म है, तो हमसे भाईचारे की सिंगल शॉट उम्मीद। पचवादून क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर अब स्कूलों को भी निशाना बनाने में नहीं चूक रहे हैं। देरा तिंद्रा राष्ट्रीय बॉक्सो जनजाति विद्यालय में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने स्कूल में रखी कुछ नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिया। बता दें कि ऐसी चोरी की घटना स्कूलों में पहले कभी नहीं देखी गई, जिसका खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई है। हमारे वहाँ जो बोक्सा जनजाति विद्यालय है जुडली आदुवाला में, तो उसमें यह आया है कि किसी के द्वारा वहाँ सामान अस्त व्यस्त किया गया है और थोड़ा नुकसान पहुँचा है, इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। इससे पहले भी वहाँ से स्कूल में चोरी हुई है? इससे पहले तो ऐसा कोई हमारे वहाँ प्रकरण, हमारे वहाँ कोई तहरीर आई नहीं थी, तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, और अभी अभी कल ही हमारे नज़दीक जुड़ली में भी एक स्कूल में चोरी हुई है, वहाँ से अभी लोगों के साथ छेड़छाड़ की है, अलमारी में रखे हुए कुछ पैसे और कुछ सामान भी चुरा लिया गया है। तो क्या मानते हैं क्या कारण है इसका? ये नशा करने वाले लोगों का है, रात को जब उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल ताला लगा रहता है, अभी उनके पास कोई ऐसा वो तो है नहीं कि जहाँ चौकीदार रखा जाए, चौकीदार ना होने के कारण, या फिर वो लोग ये इतना नशे के उसमें धृत हो चुके हैं कि उनको ये मालूम नहीं कि जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे, वो वहाँ जाके भी चोरी कर जाते हैं। पुलिस गश्त नहीं करती है क्षेत्र में? शिकायत करते हैं पुलिस प्रशासन से, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं है। ये हमारा विद्यालय इंदिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति विद्यालय है, इसमें कल रात अज्ञात चोरों ने ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ा और अलमारी तोड़ी, अलमारी में कुछ सामान इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया है, और कुछ पैसे रखे हुए थे वो भी ले गए, और एक कैलकुलेटर भी था वो भी ले गए, कुछ स्टेशनरी का सामान भी था वो भी मिल नहीं रहा, वो भी ले गए हूँ। क्या इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं? हाँ जी, इस प्रकार की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं यहाँ पर। पहले सिलेंडर भी चोरी हुआ था यहाँ पर MDM का, और आपका ये बर्तन भी चोरी हुआ था, उसके बाद कुछ सामान लोहा पड़ा हुआ था स्कूल का वो भी चोरी हुआ है, 3-4 बार चोरी हो गई है, चौथी बार चोरी है। आपने कंप्लेन लिखवाई? एक बार लिखवाई थी जब बर्तनों की लिखवाई थी, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ भूधसाव के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की भी मांग की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही NDMA की रिपोर्ट पर अपना अंतिम निर्णय लेकर कोर्ट की खंडपीठ को अवगत कराने को भी कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद की तारीख तय की है। भूदशाओं को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में भी लंबित है। उस याचिकाकर्ता जो हैं चिपको मूवमेंट के एक्टिविस्ट PC तिवारी, जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वो याचिका दायर करी थी। वो याचिका भी इस स्टेज में पहुंच गई है कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हाईकोर्ट ने आदेशित किया था कि आप अपनी रिकमेंडेशन दें रिगार्डिंग NTPC का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो पूरा टनल है जिसमें NTPC ब्लास्ट करने की परमिशन मांग रही है। तो NDMA की रिकमेंडेशन आ गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप कोर्ट ने बताया था वो था कि सरकार अब उस रिकमेंडेशन जो NDMA ने दिया है
उसमें निर्णय लेगी। सरकार ने हाल ही में एक मीटिंग भी करी थी जिसमें पिटिशनर जो पीसी तिवारी जी हैं उनको भी बुलाया गया था। उस मीटिंग में चर्चा करी थी एनटीपीसी से भी, पिटिशनर से भी और बाकी लोगों से भी कि क्या होना चाहिए एनडीएमए की रिपोर्ट में। बहुत शॉकिंग बात यह है कि एनटीपीसी अभी भी डटा हुआ है और ब्लास्टिंग की परमिशन चाह रहा है जबकि पूरा काम जोशीमठ में स्टे है। आज सरकार ने कोर्ट से थोड़ा और टाइम लिया है और 2 हफ्ते बाद ये मैटर फिर से लिस्ट होगा। और श्रीनगर गढ़वाल के पास श्रीकोट में मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया जहां पानी के बेकाबू टैंकर ने होटल के बाहर बैठी महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालुओं को रौंद दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई जिनका श्रीकोट बेस अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल महाराष्ट्र की ये महिलाएं बद्रीनाथ दर्शन करके लौटी थी और श्रीनगर गढ़वाल में एक किसी निजी होटल में रुकी हुई थी। ये हमारे बेसौर के पास ही एक घटना हुई है। ये हमारे 4 धाम यात्री हैं जो महाराष्ट्र के निवासी हैं और ये लोग 4 धाम की यात्रा करके यहाँ श्रीकोट में एक हॉस्पिटल में रुके हुए थे और ये होटल में रुके हुए थे और होटल के बाहर ये लोग वेट कर रहे थे खाने का और इस बीच में एक अनियंत्रित ट्रक जो है उससे दुर्घटना हुई है जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और 3 अन्य मरीज जो है वो हमारे यहाँ घायल अवस्था में आए हैं और उन 3 की कंडीशन स्टेबल है। हमारी इमरजेंसी की टीम और बाकी सर्जन्स ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वगैरह पूरी टीम हमारी लगी हुई है तत्परता से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।